बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बच चुका है तारीखों का ऐलान भी हो गया है अब अपने अपने क्षेत्र को लेकर के कार्यकर्ता से लेकर हर छोटे बड़े नेता तक दावेदारी के लिए पार्टी दफ्तर पहुंच रहे हैं ऐसे में एक अभी बड़ी खबर आ रही है आरजेडी दफ्तर से जहां पर एक राजद नेत्री टिकट पाने के लिए अनसन पर बैठ गई है उसका तमाम बातें हम आपको सुनवाएंगे कि आखिरकार किस प्रकार का उनकी मांग है और क्या वो चाहती है लेकिन उससे पहले हम आपको जरा बता दें कि यह राजद नेत्री लगभग 26 वर्षों से राजद की कार्यकर्ता है और ऐसे में इसकी बात अगर नहीं मानी जाएगी और नहीं सुनी जाएगी तो हो सकता है क्षेत्रीय नुकसान राजद को भुगतना पड़े अब हम आपको सुनवाना चाहते हैं पहले आखिर ये राजद नेत्री का बयान को सुनिए फिर हम आपको बताएंगे कि यह नेत्री कौन है और कहाँ से है अनसन बैठे हमारी मजबूरी है क्या मजबूरी हुई मजबूरी यह है लेकिन हमको सम्मान नहीं मिल रहा है पच्चीस साल से पार्टी में हमको किसी तरह का आज तक सम्मान नहीं मिला पंद्रह में हमारी टिकट फाइनल थी और नीतीश कुमार सिंह गठबंधन था लालू जी का उनके गठबंधन में हमारी सीट चली गई फिर भी हमें मंजूर कर लिए और जिसको लालू जी भेजे राजद के सिपाही बना के वीरेंद्र मातो जी को उसको हम भारी वोट मोट से जिताए वो पार्टी छोड़ दल छोड़ के चले गए वो सीट मेरा खाली है फिर सीपीआई के लिए गुप्तगु वहाँ चल रहा है जबकि तेगरा का मेरा जीता हुआ सीट है हम अपनी सीट के लिए बैठे हैं और अपनी एक महिला हक के लिए बैठे हैं हम वहाँ से उम्मीदवार हैं क्या किसी से मुलाकात हुई थी किसी से, थी? से नहीं मुलाकात होती तो ये दिन नहीं होती, क्या से भी होती? नहीं के, के नहीं नहीं एक बार गए उनसे मुलाकात नहीं होती है अभी भी उनसे मुलाकात नहीं हो रही है हम जब थक चुके हैं तब यहाँ बैठे हैं पार्टी के आने लोग अभी कह रहे हैं जो पार्टी से निकाल दिया जाएगा तो हमको पार्टी से निकाल दिया जाए तो अब यह भी कहने सुनने को मिला आप बैठी है ना तो आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा तो ठीक है हमको पार्टी से निकाल दिया जाए ऐसा क्या हुआ कि आपको इस तरीके का धरना देना पड़ गया क्योंकि

और ये 2015 में जब गठबंधन बना था तब भी इनको उम्मीद थी कि इनको महागठबंधन के तरफ से चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा जो इन्होंने राजद के लिए समर्थन किया है लगातार 26 वर्षों से राजद के लिए इन्होंने काम किया है उसका फल इन्हें मिलेगा लेकिन जदयू के शामिल होने की वजह से महागठबंधन के तरफ से इनको या फिर आर की तरफ से इन्हें टिकट नहीं दिया गया अब एक बार फिर टिकट की होड़ में यह राजद दफ्तर के बाहर ही अनसन पर बैठ गई हैं और तमाम तरीके का आरोप आरजेडी के शीर्ष आला कमान पर लगा रही है साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी देखने वाली बात है इसका क्या असर होता है यह अनशन काल अनशन है मतलब साफ है कि जब तक इनके मसले को नहीं सुलझाया जाता तब तक यह आरजेडी दफ्तर से उठकर नहीं जाएंगे तो देखने वाली बात है कि आखिरकार इसको लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव या फिर जगदानंद सिंह क्या इस पर पहल करते हैं क्या इनकी बातों को सुनते हैं क्या इनकी बातों को मानेंगे और इनको विधानसभा का टिकट देंगे या पत्ता ही साफ कर देंगे